कि बछवा तो फेल भी हो जाता है, तो तू जो चाहेगा वो मैं दूंगा तुम्हें, बट गलत कदम नहीं उठाना बेटा। जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बघेली एजुकेशन। मेरे साथी आज की यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, बट मेरे साथी रिजल्ट आने से पहले तक ही इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप अपनी इस बात को, और बिल्कुल रिजल्ट आने से पहले तक यह वीडियो देखिए और अपने सभी सगे संबंधियों तक शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे को पता चल सके। मेरे साथी बच्चों का रिजल्ट आने के बाद इतनी घड़बड़ाहट हो जाती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि मैं अब आगे क्या करूं। मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे का 40% आया, किसी बच्चे का 30% आया, किसी बच्चे का 70% आया, किसी बच्चे का 80%, किसी बच्चे का 99% और किसी बच्चे का 32%। 99% वाला बच्चा बिल्कुल हंस रहा है, 32% वाला बच्चा बिल्कुल रो रहा है, ठीक है सर। तो मैं इस वीडियो को मैं यह बताऊंगा कि आपको तो नहीं पता ना अभी तक कि आपका कितना परसेंट बनेगा, आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपका रिजल्ट क्या है, इसलिए आप यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है मेरे साथी। आप अभी तक सुने होंगे अपने अड़ोस पड़ोस गांव या गांव के पड़ोस में, है ना सर, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर सुना होगा, रिश्तेदारी इतनी बड़ी होती है लोगों की कि रिजल्ट आने पर बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना, कुछ कुएं में कूदकर, कुछ नदी में, कुछ कहीं कुछ कहीं, कोई फांसी, कोई जहर, कोई कुछ कोई कुछ, मीन्स अक्सर आप देखेंगे तो बहुत से लोग सर सुसाइड यानी आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है सर। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, और अगर यह वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे मेरा खास निवेदन है कि आप अपने बच्चे को भी यह वीडियो जरूर दिखाइए। क्यों, मतलब एक टाइम था कि वो कलेक्टर की पोस्ट पे थे, बट मैं कह रहा हूँ कि वो ट्वेल्थ में सप्लीमेंट्री थे, और बताइए वो कलेक्टर की पोस्ट में थे, शायद न्यूज आप लोगों तक पहले पहुंची रही होगी, वो खुद ट्वीट किए थे अपनी सर्टिफिकेट कि मैं ट्वेल्थ में सप्लीमेंट्री हूँ। तो मेरे साथ ही आप लोगों को ये नहीं डरना है कि मैं सप्लीमेंट्री हो गया, मैं फेल हो गया, मैं क्या करूँगा। मेरे बच्चों आपको तनिको टेंशन लेने की बात नहीं है, कहीं भागने की बात नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि आपका रिजल्ट आने के बाद अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो कभी हार नहीं माना जाता मेरे साथियों, ठीक है सर। अगर आप फेल हो गए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आता है, रुक जाना नहीं, ठीक है सर, रुक जाना नहीं। इसका मीन्स ये होता है जब बच्चे काफी सुसाइड करने लगे तो गवर्नमेंट के माइंड में आया यार कि इनके लिए एक योजना क्यों ना चालू की जाए। तो उन्होंने योजना चालू किया कि रुक कहीं जाना नहीं, मीन्स आप रुको, आपको दोबारा अवसर मिलेगा। आपको अगर फेल हो जाते हो तो तुरंत अवसर फिर से मिलेगा दोबारा एग्जाम देने की, इसलिए आपको डरना नहीं है मेरे साथी, और कोई ऐसे कदम नहीं उठाने हैं कि आपके माई बाबू या आपके सगे संबंधी इन सभी को दुख हो, ठीक है सर। तो काफी ध्यान से आप लोग रहिए, सोच समझ कर रहिए, आगे बढ़िए, तो सब कुछ देख कर सोच कर समझ कर आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके आगे कितने लोग हैं, सबका ध्यान आप पर है, इसलिए आप कोई भी गलत कदम ना उठाइए। आप सबसे मेरा खास निवेदन है, ठीक है सर, कोई भी गलत कदम ना उठाइए, ठीक है सर, बिल्कुल। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं वो पूरी रिप्लाई आपको दूंगा। अगर रुक जाना नहीं के बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट आप कमेंट करिएगा कि सर मुझे रुक जाना नहीं के बारे में आप अच्छे से और फुल नॉलेज दे दीजिए सर, यानी अच्छे से सारी जानकारी दे दीजिए सर आप हमें रुक जाना नहीं के बारे में। फिर आपको जब जानकारी रहेगी तो आपके फ्रेंड या कोई अगर फेल हो रहे हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हैं,
है। तो अगर आप रुक जाना नहीं की फुल जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है सर। बट आपसे मेरा बार बार निवेदन है कि कोई भी गलत कदम ना उठाइएगा रिजल्ट को देख कर। इसलिए मैं यह वीडियो रिजल्ट से पहले आपको दे रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी यही सलाह दें, उनसे निवेदन कर लें एक बार कि बछवा तो फेल भी हो जाता है तो तू जो चाहेगा वो मैं दूंगा तुम्हें, बट गलत कदम नहीं उठाना बेटा, आत्महत्या नहीं करना बेटा, ठीक है सर। चलिए आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।